अस्सलाम वालेकुम, आई मुनज़्ज़ा नियाज़ी। टुडे आवर टॉपिक इज एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स आर द फैमिली ऑफ द बैक्टीरिया एनारोबिक एंड फॉर्म द लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स दैट रिजेंबल द हाइफी ऑफ द फंजाई। एक्टिनोमाइसिट्स जो हैं वो बैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट होता है कि ये हाइफी हैं लेकिन ये बैक्टीरिया हैं। तो एनारोबिक क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि ये कार्बन डाइऑक्साइड्स की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। जब लैब के अंदर हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं और उनको फेवरेबल टेम्परेचर देते हैं ताकि वो ग्रो हो सकें, तो उसमें क्या करते हैं हम कि उनको एनारोबिक इन्वायरमेंट देते हैं। एनारोबिक इन्वायरमेंट देने के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर भी होते हैं, और वैसे जो मैनुअली हम करते हैं तो एक हम जार लेते हैं, जार के अंदर हम कैंडल जलाते हैं और अपनी मीडिया की प्लेट रखते हैं और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जब तक होती है तो कैंडल क्या है, जलती है, तो वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बुझ जाती है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो जाती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से हम एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को फॉर द ग्रोथ के लिए। इसकी जो क्या है, रिजेंबल्स है, मतलब कि शेप जो है एक्टिनोमाइसिट्स की, कि वो हाइफी की तरह होती हैं, लॉन्ग होती हैं और ब्रांचिंग फिलामेंट्स की तरह होती हैं। दे आर ग्राम पॉजिटिव बट सम सच ए नोकार्डियास्ट्रॉइड आर वीकली एसिड फॉस्फेसलाई। द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल डिफ्रेंशिएट करते हैं। और सेल वॉल्स किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की। बार बार मैं अपने लेक्चर के अंदर इस बात को मेंशन करती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम किस चीज़ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर आता है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आपसे पूछा जाए जी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल डिफरेंशिएट करते हैं। उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई होती है और इसमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं जो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन मकसद है कि आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बैक्टीरिया ना तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना तो ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो एसिड फॉस्फोसिलाई कहलाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एसिड फॉस्फोसिलाई है, बैक्टीरिया है, रॉड शेप में है। उसके अलावा नोकार्डिया स्ट्रॉइड जो है वो एक और बैक्टीरिया है जो कि एक्टिनोमाइसिट्स का क्या है, टाइप है। वो उसमें वीक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एसिड फॉस्फोसिलाई की। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आता है कि ग्राम स्टेन जेडन स्टेनिंग टेक्निक है जो कि यूज की जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्या तो उसके एमसीक्यूज में ऑप्शन दी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, नोकार्डिया, बोथ, नन ऑफ दीज, इस तरीके से। तो नोकार्डिया एस्ट्रॉयड में भी वीक एसिड फॉस प्रॉपर्टीज हैं, और इसके लिए हम जेड एन स्टेनिंग टेक्निक ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग, एसिड फॉस बिस्लाई की जो एग्जाम्पल में क्या आ रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड नोकार्डिया एस्ट्रॉयड, उसके लिए हम जेड एन स्टेनिंग, जीनेल्सन स्टेनिंग जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। There are the two medically important Actinomyces aeruginosa and Nocardia aeruginosa. ये दो टाइप हैं। Actinomyces aeruginosa causes the actinomycosis. Actinomyces bacteria can be infected by the bacteriophage which are called actinophage. Bacteriophage basically is type of viruses. Virus can enter in the bacteria and use a host cell machinery and enter into the बॉडी। बस इतना याद रख लो कि बैक्टीरियोफेज जो हैं एक टाइप है वायरसेस की, और वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाते हैं, एज ए पैरासाइट्स जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको हम बैक्टीरियोफेज कहलाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर में वायरोलॉजी में इसको बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। हियर यू कैन सी ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है एक्टिनोमाइसिट्स की, आप इसके अंदर देख सकते हैं ब्रांचिंग फिलामेंट्स बने हुए हैं। लास्ट
अभी आप क्या नाम है माइकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपने एफएससी में अक्सर बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 90% लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा कि हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है और उससे क्या है हम क्या करते हैं फंगस को रिमूव करके स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें आपको ब्रांचिंग फिलामेंट्स नज़र आते होंगे। तो इसी तरीके से एक्टिनोमाइसीट बैक्टीरिया की जो शेप है, जो रिजेंबलेंस है, वो हाइफी की तरह है, वो ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं। प्रॉपर्टीज एंड पैथोजेनेसिस। Actinomycetes israeli is anaerobic that form the part of the normal flora over oral cavity. के Actinomycetes israeli anaerobic bacteria है और इसका normal flora bacteria normal flora है as oral cavity का, oral cavity के आपका mouth वगैरह जो है इसका क्या है oral cavity का mouth teeth jugs ये जो भी हैं oral cavity में mouth के अंदर आते हैं इसका normal flora है। normal flora bacteria क्या होते हैं इस पे लेक्चर भी है, इसको डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमंस के नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं या इनसाइड आउटसाइड रहते हैं और नॉन कॉजिंग विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज के वो बेनिफिशियल होते हैं, कोई डिजीज कॉज नहीं करते और वो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड आउटसाइड के ऊपर रहते हैं एज ए नॉर्मल फ्लोरा, इसलिए कहा जाता है कि ये बेनिफिशियल होते हैं, कोई डिजीज काज नहीं करते। हाँ इन केस फॉर एग्जांपल अगर जिस जगह पे वो नॉर्मल फ्लोरा हैं और वहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, कट हो जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तब उनको एंट्री वे मिलता है, मीन्स कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देते हैं, कर सकते हैं। After the local trauma has broken the jug, the dental extraction, it may be invert the tissue and forming the filaments surrounded by the area of the inflammations. के for example आप dental doctors के पास गए हैं, आपने दांत को निकलवाया, वहाँ की extraction करवाई है उसकी, तो वहाँ पे क्या है inflammation होने की वजह से टिश्यू के अंदर ये bacteria invade हो जाते हैं और वहाँ उस एरिया में inflammation cause कर देते हैं। तो हार्ड येलोइश ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ द मैस ऑफ द फिलामेंट्स आर फॉर्म इन द पस। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स के अक्सर माउथ के अंदर ये देखिए इस तरह का ब्लिस्टर फॉर्म में फॉर्म बन जाती है जो कि हार्ड किस्म का होता है, येलोइश होता है, उसके अंदर पस और मैस जो है वो क्या है एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इस तरीके से तो इसको क्या कहते हैं, ये भी एक Actinomycetes israeli की एक वो है कि प्रॉपर्टीज है कि वो इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं माउथ के अंदर। Actinomycosis अपीयर एज अ हार्ड नॉन एंड टेंडर स्वेलिंग दैट डिवेलप एंड इवेंटली ड्रेन द पस थ्रू द सिनस ट्रैक हियर यू कैन सी द सिनस ट्रैक टीथ के ऊपर जो आपके जग्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हार्ड किस्म का जो है एक ब्लिस्टर फॉर्म बन जाता है जहाँ पे और ऊपर से इसकी जो ये एरिया होता है यहाँ इन्फ्लामेशन हुई हुई है, आप डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन रेडिश हुई हुई है और ऊपर हार्ड किस्म का पस फॉर्मेशन उसमें हुए उसमें मैस जमा हो जाता है और वहाँ से लेटर ऑन जब ये इसकी जो लेयर है आपने वैसे भी देखो ये की लेयर जो है जेलविश ये पतली हो जाती थिन हो जाती है तो ये ब्रेक हो जाती है और जहाँ से पस फॉर्मेशन जो है आना शुरू होते ड्रेन होना शुरू हो जाती है पस। इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस द इनिशियल लीजन इन्वॉल्व द फेस नेक चेस्ट एब्डोमेन इन द साइड के इस केस में Actinomycetes israeli की केस में क्या होता है कि मोस्टली जो है 50% जो केसेस हैं उनकी इनिशियली इन्फेक्शन कहाँ किस किस एरिया में होता है फेस के फेस इन ओरल कैविटी का तो नॉर्मल फ्लोरा है वहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करते हैं जब उसमें कोई एक्सट्रक्शन जैसे मैं लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि टीथ की एक्सट्रक्शन करवाई जाए तब तो फेस के अंदर नेक के ऊपर चेस्ट और एब्डोमेन वो साइड हैं जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम फेस के ऊपर इस तरह की ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है टीथ के अंदर नेक के ऊपर। पेल्विक Actinomycosis कैन अकर इन द वुमेन हु हैव रिटेन एन इंट्रायूटरीन डिवाइस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम्स। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम के फीमेल का जो है यूट्रस दिखाया गया यहाँ पे जो है टी शेप
शेप में आप देख सकते हैं, टी शेप है। टी शेप एक ऐसी डिवाइस है जो कि मोस्टली फीमेल्स जो हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए IUD जो है इंटरयूट्रिन डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए तो उसमें क्या होता है कि विजियाना, ये देख सकते हैं विजियाना और इस सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान इसको इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए, तो ये पेल्विस एक्टिनोमाइकोसिस का इन्फेक्शन वुमेंस के अंदर हो जाता है मोस्टली। एक्टिनोमाइकोसिस एस्ट्राइली स्पीशीज आर द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ एक्टिनोमाइसिनस वुमेंस, इंसानों के अंदर ही ज़्यादातर इन्फेक्शन काज करते हैं। द डिजीज इज नॉट कॉटीजियस, कॉटीजियस जो होती है एक से दूसरे से स्प्रेड हो जाती है। आजकल का जो केस चल रहा है कोरोना, ये कॉटीजियस है क्योंकि एक से दूसरे में जल्दी स्प्रेड होता है। कॉटीजियस डिजीज नहीं है ये एक्टिनोमाइसिट्स। ट्रांसमिशन कैसे होती है एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किस तरीके से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी में यह है माउथ हो जाता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में फीमेल जेनिटल ट्रैक्स के जरिए से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। सिम्टम्स अकर व्हेन द बैक्टीरिया इंटर द टिश्यू ऑफ द फेस आफ्टर ट्रॉमा सर्जरी इन्फेक्शन, इन सीवियर इन्फेक्शन में या कोई सर्जरी करवाई है या किसकी वजह से ब्रेकेज नहीं है। ओरल कैविटी की बात करें तो अगर आपने कोई दांत वगैरह की एक्सट्रक्शन करवाई है या उसकी फिलिंग करवाई है या कुछ हुए तो उस केस में हो जाता है, या कोई अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर मोस्टली ये चांसेस हो जाते हैं कि इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, या आपने कोई सर्जरी वगैरह करवाई उसमें जो है इनकी केसेस सिम्टम ज़्यादा अपीयर्स होती हैं। किस तरह की होती हैं, उसमें फीवर होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कोई चीज़ भी इंटर होती है तो एक्टिविटी हो रही होती है। वेट लॉस, नेक और फेस जो है इसके लिम्स जो हैं वो क्या है स्वेलिंग हो जाती हैं। ड्रेन द सोर्स ऑन स्किन की जहाँ पे पस फॉर्मेशन होती है वहाँ से जब वो क्या हो जाती है पस ब्लिस्टर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, फिर उसके बाद स्किन उसकी लूज हो जाती है, उससे क्या है फट जाती है और उससे क्या है पस फॉर्मेशन जो है ड्रेन होती जाती है। कफिंग होती है, चेस्ट पेन होता है क्योंकि लैब डायग्नोसिस मोस्टली हमारा जो नॉर्मल हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स उनका जो मेन फोकस होता है उनका होता है कि बैक्टीरिया किस तरीके से डायग्नोस करती हैं, और एनेस्थीसिया के स्टूडेंट्स को जो इंपॉर्टेंट है होते हैं उसलिए कि ये अभी मैंने बताया ये इस जगह का नॉर्मल फ्लोरा इस बॉडी किस पार्ट का नॉर्मल, तो उनको पता होना चाहिए कि जब वो पेशेंट्स को डील करते हैं नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। सी द ग्राम पॉजिटिव ब्रांचेस रॉड स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर ग्रेन्यूल्स। एक्टिनोमाइसिन इसके लिए हम क्या करते हैं पस लेते हैं, स्पेसिमेन या सैंपल्स क्या है हम पस लेते हैं कहाँ से जहाँ पे ब्लिस्टर बने होते हैं या इस तरह के नेड्यूल बने हुए आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके से हम इससे क्या है सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स में या इनको हम वो भी करते हैं मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं, उसकी कॉलोनीज आती हैं और उन कॉलोनीज को क्या करते हैं हम फिलामेंट्स की ब्रांचेस को कल्चरिंग करते हैं और कल्चरिंग के बाद उसके बाद हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। लेकिन इनको क्या है कि इसमें ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं, हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, इसके बाद क्या है ग्राम पॉजिटिव फिलामेंट्स ब्रांचिंग रॉड है, इसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करेंगे। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किस लिए की जाती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर्स होती हैं वो थिक होती हैं, उसमें कंसनट्रेशन 90% होती है, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर हम कुछ डाई का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई जो है उसका पर्पल कलर होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए थिक होती है, इस वजह से वो उस कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये है पर्पल कलर आते हैं ब्रांचिंग फिलामेंट्स। आप अब एक और बात है, एक तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल करते हैं, ठीक है, सेल वॉल जो है पॉजिटिव की हम जब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करेंगे तो उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो शेप कलर आएगा ना, शेप तो हम बाद में आइडेंटिफाई, कलर जो आएगा वो है पर्पल कलर आएगा या ब्लूश, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे उनका पिंकिश या रेडिश कलर आएगा। ठीक है, किसकी वजह से आता है पॉजिटिव का क्रिस्टल वाले डाई की वजह से आता है और ग्राम नेगेटिव का सेफ्रानिन डाई की वजह से आता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे इसके ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं देख सकते हैं आप रॉड शेप के हैं। कल्चर के लिए हम एनरोबिक कल्चर ऑन द ब्लड एगर प्लेट्स भी करते हैं।
ब्लड एगर प्लेट एक मीडिया है जो कि यूज़ किया जाता है सम जो मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, ये भी इसमें है, जो ओरल कैविटी, इसमें हम क्या करते हैं कि मोस्टली जो फैटी चिल्ड्रन को स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनको ग्रो करते हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज लगते हैं उनकी ग्रोथ कॉलोनीज जो, तो इस तरीके से मीडिया के ऊपर आती हैं मोलर टीथ कॉलोनीज, जिस तरीके से ये दांत, नहीं आपने अपनी दांतों की अलाइनमेंट देखी हो ना, इस तरीके से होती है, इस तरीके से रेंजेंबल्स करती कॉलोनीज नजर आती हैं। तो इसके लिए कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते। नाकोडिया स्ट्रॉइड, इसके लिए भी हम पस सैंपल लेते हैं, पस सैंपल्स के मैंने क्या है ग्राम स्मियर्स करते हैं, ग्राम स्मियर्स में हमें ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं और हम जेनेल्सन स्टेनिंग यानी जेड एन स्टेनिंग भी करते हैं, क्योंकि नाकोडिया स्ट्रॉइड जो है इसके अंदर वीक प्रॉपर्टीज हैं एसिड फॉस बिसलाई। अब भी मैंने बताया था कि एसिड फॉस बिसलाई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ना तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या होते हैं एसिड फॉस बिसलाई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक कवर करेंगे। और दूसरा जो स्पीशीज़ है नाकोडिया स्ट्रॉइड्स के अंदर वीक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम भी ब्लड एगर के ऊपर क्या है और जो है एरोबिक एनवायरनमेंट्स में क्या है करते हैं कल्चर करते हैं, इसके लिए कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं किया जाता। जनरली देख लें कि इन दोनों के अंदर नाकोडिया एक्टिनोमाइसिड स्ट्राइली और नाकोडिया स्ट्रॉइड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ग्रोथ एनवायरनमेंट जो है एनरोबिक कंडीशन हो चाहिए होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये हैबिटेट इसका क्या है माउथ है क्लोन है विजियाना है, इसके अंदर जो है एक्टिनोमाइसिड एक्सराइली प्रेजेंट होती हैं और नाकोडिया स्ट्रॉइड जो है वो सॉइल्स के अंदर होते हैं, इसमें ट्रॉमा ये टीथ एक्सट्रक्शन और फैक्शन और न्यूट्रन ये जो डिवाइस जो यूज़ की जाती है विजेना के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की, इसको प्रोलॉन्ग रखा जाए तो इनकी वजह से मोस्टली हेयर ट्रांसमिशन हो जाती है और सॉइल्स इस इनहेलेशन की वजह से होती है। और सेकेंड जो है एसिड फर्स्ट जो है इसके अंदर इसराइली में के अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन नाकोडिया स्ट्रॉइड्स के अंदर वीक प्रॉपर्टीज हैं, डिजीज के हैं पस फॉर्मेशन हो जाती है, पेल्विक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और इस तरीके से, और इसके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का हमारे से लिंक नहीं होता। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा और मैं क्योंकि इस लेक्चर के अंदर में कोई शोर नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी आपको शोर हो तो मुझे बता सकते हैं, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि फिजिकली मैंने आपको नहीं पढ़ाया और मुझे स्टूडेंट्स के फिर वक्त इतने खास नाम भी पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही हम फिजिकली क्लास लेंगे। अगर आपको कोई इशू है चाहे एनेस्थीजिया के स्टूडेंट्स हैं MLT के स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों का ये टॉपिक है, ठीक है, और आपको कोई भी इशू आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रही आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पे है munazzarniazi678@gmail.com पे आप मैसेज कर सकते मेल कर सकते हैं, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं कुछ समझ नहीं आई वो पूछना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।